अबाउट द क्रॉसवर्ड, ठीक है? तो लीगल टर्म से रिलेटेड ये क्रॉसवर्ड है। अगर वीडियो अच्छा लगता है और इस तरह के वीडियोस आप और चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो मैक्सिम्स हो गए, सेक्शंस हो गए, आई विल ट्राई कि मैं सब पे बनाऊँ क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड किस चीज़ को पसंद है? मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो फिर आई थॉट कि क्यों ना लॉ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्योंकि लॉ को याद करना, रटना एक अलग चीज होती है। और जब आप क्रॉसवर्ड सॉल्व करते हो तो उसमें, क्योंकि आजकल जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए क्रॉसवर्ड्स अगर आप सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत खुलता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉसवर्ड्स को। सबसे पहला जो क्रॉसवर्ड है, क्रॉसवर्ड के देखिए दो होते हैं, एक आपका अप डाउन होता है और एक आपका एक क्रॉस होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, ठीक है? तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस क्रॉसवर्ड, इट इज अ फॉर्मल मीटिंग बिफोर लॉ सूट बिगिंस, इसको हम क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन और फैक्ट, मतलब एक फॉर्मल मीटिंग हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, डिस्क्लोजर हो रहा है इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट करिए फटाफट और बताइए। अ फॉर्मल मीटिंग बिफोर अ लॉ सूट बिगिंस इन ऑर्डर टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, व्हाट इज कॉल्ड? तो इट इज कॉल्ड डिस्कवरी। क्या कहते हैं इसको हम? डिस्कवरी कहते हैं, ठीक है? चल नेक्स्ट पे आते हैं, धीरे धीरे आप लोगों को भी आदत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका डैश लॉ, ये तो आता है, ठीक है? डैश लॉ यूज इन इंग्लिश कैनेडा हैज बीन डेवलप्ड थ्रू केस डिसीजन बाय जजेस नॉट बाय लेजिस्लेशन। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका बिहार में भी आया है, यूपी में भी आया है, ठीक है? तो क्या पूछ रहे हैं, कौन सा लॉ है जो कि इंग्लिश कनाडा में, इंग्लिश में कनाडा में यूज हुआ है, जो कि डेवलप हुआ है बाय केस डिसीजन नॉट बाय द लेजिस्लेशन, तो व्हाट इज दैट लॉ कॉल्ड? तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? तो इट इज नोन एज कॉमन लॉ, कॉमन लॉ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है अ रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये देखिए बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, अ रिजोल्यूशन प्रोसेस वेयर एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी असिस्ट टू वॉलेंटरली रीच अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सेटलमेंट, यानी कि दो लोगों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है, तीसरा बंदा आता है और वो वॉलेंटरली कहता है कि भाई चलो हम सब साइड कराते हैं, हम सेटल कराते हैं मामला, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, सेवन में क्या लिखेंगे, मीडिएशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडिएशन बोलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, रिलीज फ्रॉम इनकार्सरेशन आफ्टर सर्विंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सपोज करिए किसी को 7 साल की या 5 साल की सजा हुई है, उसमें से उसने 3 साल काट लिए हैं और अब उसको क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है फॉर अ टाइम पीरियड कंडीशंस के साथ, तो उसको हम लीगल टर्म में क्या बोलते हैं? नाइन्थ में क्या बोलते हैं बताइए? बेल तो कहेंगे नहीं, तो बेल के जैसा एक और क्या होता है? नाइन इज देयर, इट इज नोन एज पैरोल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरोल कहते हैं। इसके बाद आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन वर्ड फॉर द वर्ड्स इन एडीआर। एडीआर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? एडीआर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? तो एडीआर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑल्टरनेटिव, ऑल्टर
ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? इट इज ऑल्टरनेटिव. नेक्स्ट आता है डैश लॉ इज फॉर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स. अब इंडिविजुअल्स के बीच में कौन सा आपका लॉ आता है? देखिए, दो तरह के लॉ होते हैं हमारे. एक होता है आपका सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ इज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एंड क्रिमिनल लॉ की बात करें तो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में होता है वो. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? तो इट विल बी सिविल लॉ. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सिविल. 13 में क्या आएगा? सिविल. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. A previous legal decision that court rely on to make future decision. Very important. जब हम बात करते हैं jurisprudence में, तो ये term हमने कई बार देखा है जहां पे court या judges पुराने decisions को देख के अपना decision देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं 16 में, इसको हम बोलते हैं precedent. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रीसीडेंट बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन अ सिविल इंजरी और रॉन्ग टू समवन एल्स. अगर हम किसी और को चोट पहुंचा रहे हैं, सिविल इंजरी कर रहे हैं, तो वो क्या है? तो ये एक डेफिनेशन है किसकी? टॉर्ट की. क्या है ये? ये टॉर्ट की डेफिनेशन है, सिविल रॉन्ग. ठीक है, दिस इज टॉर्ट. नेक्स्ट पे आते हैं 18 पूछ रहा है आपसे व्हेन अ हाई कोर्ट रिव्यू द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट ट्रायल. तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब हाई कोर्ट रिव्यू करती है अपने लोअर कोर्ट के जजमेंट को या क्रिमिनल ट्रायल को, तो उसको हम बोलते हैं अपील, क्योंकि अपील में ही तो जाते हैं. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड अपील. नेक्स्ट आता है हमारा 30th. ठीक है, 18 हो गया, अच्छा 18 तक हो गया, 19 में है. 19 आपसे पूछ रहा है डैश लॉ इज फॉर रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट स्टेट. तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ. तो सिविल में क्या था? दो इंडिविजुअल होते थे. क्रिमिनल में क्या होगा? एक इंडिविजुअल और एक स्टेट रहेगा. तो यहां पे 19 में आपका क्या आ जाएगा? दैट विल बी 19. यस, इट इज क्रिमिनल. ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्रिमिनल हो जाएगा. 20th की बात करते हैं. ठीक है, 20th पे आते हैं. 20th आपसे पूछ रहा है हिबिस डैश अ कोर्ट ऑर्डर यूज टू ब्रिंग अ पर्सन पर्सनली बिफोर अ कोर्ट इन ऑर्डर टू सी इफ देर इज इनफ एविडेंस टू प्रोसीड टू क्रिमिनल ट्रायल. यानी कि ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? रिट की बात कर रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पर्सन फिजिकली आ रहा है बिफोर द कोर्ट. तो यहाँ पे हिबिस क्या होता है? कॉर्पस, यानी कि आपकी बॉडी. तो 20th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पस. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द पार्टी बींग सूड इन अ लॉ सूट. जिसको सू किया जा रहा है लॉ सूट में, जिस पार्टी को सूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए फटाफट. 22 में इट इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट. क्या बोलते हैं उसको? रिस्पोंडेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है टेम्परेली और इनडेफिनेटली स्टॉपिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. यानी कि किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को या तो हम टेम्परेली रोक रहे हैं या हम उसे इनडेफिनेटली रोक रहे हैं, पता नहीं कब तक के लिए रोक रहे हैं, या हम फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टे. जो हम स्टे ऑर्डर लेके आते हैं कोर्ट से,
कि भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड अ स्टे. नेक्स्ट आता है हमारा अ कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग और टू स्टार्ट डूइंग अ स्पेसिफिक एक्ट. कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई इस पर्टिकुलर एक्ट को या तो आप रोक दो या आप इसको करना शुरू कर दो. तो इसको हम क्या बोलते हैं लीगल टर्म में, तो इट इज कॉल्ड इंजंक्शन. क्या बोलते हैं? इंजंक्शन. ठीक है, इट इज कॉल्ड इंजंक्शन. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हमारा लास्ट ही बचा है केवल. ठीक है, डैश जजमेंट्स आर मेड इफ द डिफेंडेंट इन अ सिविल एक्शन डजंट अपीयर फॉर द ट्रायल. तो हम क्या कौन सा जजमेंट देते हैं भाई, अगर सिविल एक्शन चल रहा है और पर्सन नहीं आ रहा है तो हम कौन सा जजमेंट दे देते हैं. डिग्री की नहीं बात कर रहे, हम जजमेंट की बात कर रहे हैं. डिग्री में तो एक्सपार्टे डिग्री आ जाएगी, जजमेंट में हम देते हैं उस जजमेंट को कहते हैं डिफॉल्ट जजमेंट. ठीक है, क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट जजमेंट बोलते हैं. चलिए अब आते हैं, ये हमारे सारे हॉरिजॉन्टल अक्रॉस खत्म हो गए हैं, अब हम लोग उस पे आएंगे, डाउन पे आएंगे. एन ऑर्डर टू अपियर इन अ कोर्ट टू टेस्टिफाई एज अ विटनेस. भाई ऑर्डर दे रही है कोर्ट की टेस्टिफाई करो एज अ विटनेस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू कहाँ है? ये है, इट इज अ लीगल टर्म विच इज कॉल्ड सबपोइना. ठीक है, इसको ये बोलते हैं. ठीक, नेक्स्ट आता है आपका डैश डैमेजेस. अब ये इंपॉर्टेंट है टॉर्ट में. डैश डैमेजेस आर कंपनसेशन फॉर लॉस्ट वेजेस और एक्सपेंसिस बिफोर अ सिविल ट्रायल बिगिंस. तो कौन से हम लोग डैमेजेस देते हैं बताइए, फोर में हम कौन से डैमेजेस देते हैं? तो दीज आर द स्पेशल डैमेजेस. कौन से डैमेजेस होते हैं ये होते हैं आपके स्पेशल डैमेजेस. ओके, नेक्स्ट आपका आता है कंपनसेशन पेड टू अ सक्सेसफुल लिटिगेंट. यानी कि जिसके आप जिसके हक में जजमेंट आया है तो लिटिगेंट उसको क्या बोलेंगे? कंपनसेशन जो दिया जा रहा है उस कंपनसेशन को क्या बोलते हैं? तो इट इज कॉल्ड डैमेजेस. डैमेज और डैमेजेस, देयर इज अ डिफरेंस. डैमेज होता है आपकी हानि, जो आपको नुकसान हुआ है. डैमेजेस क्या होता है? उस हानि की भरपाई. ऐसा नहीं है कि वो सिंगुलर, वो एक वचन है, वो बहुवचन है, नहीं. डैमेजेस का मतलब होता है रेमेडी, जो आपको क्योर दिया जा रहा है, जो आपकी हानि जो हुई है उसकी जो आपको कंपनसेशन दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डैमेजेस. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डैमेजेस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट उस पे आते हैं, यहाँ पे आ रहा है अ फॉर्मल एक्विजिशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिक्टमेंट. क्या बोलते हैं? इंडिक्टमेंट. इंडिक्टमेंट, इट इज कॉल्ड इंडिक्टमेंट. नेक्स्ट पे आते हैं डैश क्लेम व्हेन द डिफेंडेंट इन अ सिविल एक्शन सू द प्लेंटिफ राइट बैक. यानी कि कौन सा क्लेम होता है जहां पे जो डिफेंडेंट होता है सिविल लॉ में, सिविल एक्शन में सू करता है प्लेंटिफ को, कौन सा क्लेम लेने के लिए बताइए, क्या कहते हैं उस क्लेम को? एट, ये इट इज काउंटर क्लेम. ठीक है, क्या कहते हैं उसको? काउंटर क्लेम कहते हैं. नेक्स्ट आपका आता है टेस्टिमनी गिवन बाय अ विटनेस हु टेल्स सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन जनरली नॉट अलाउड. उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. क्या बोलेंगे? हेयर एंड से. टेन, इट इज हेयर एंड
से ठीक है, कंप्लीट होने वाला है हमारा क्रॉसवर्ड पजल भी। ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं, अ रिटन स्टेटमेंट अंडर ओथ। जब आप ओथ पे कोई रिटन स्टेटमेंट देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफिडेविट। व्हाट वी से, वी कॉल्ड इट एफिडेविट। एफिडेविट ठीक है। अच्छा एफिडेविट का मतलब क्या होता है, एफिडेविट का देखिए एविडेंस में नहीं रोल होता है जब तक कि कोर्ट स्पेशली अलाउ ना करे। एफिडेविट इज लाइक अ एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द पर्सन हु इज साइनिंग दैट डॉक्यूमेंट या हु इज साइनिंग दैट स्टेटमेंट कि भाई आप जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। ठीक है दैट इज अ एक्स्ट्रा बर्डन ऑन इट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लाइंग इन कोर्ट व्हाइल अंडर ओथ। तो इट इज प्रिजुरे, क्या बोलते हैं उसको, प्रिजुरे कहते हैं, प्रिजुरे। इट इज प्रिजुरे और वाई। नेक्स्ट आता है मेंस डैश द मेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम। 21st है एक्ट्स डैश फिजिकल एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो यहां पे मेंस रिया एक्टस रियस, तो एक्टस रियस इज द फिजिकल एलिमेंट एंड मेंस रिया इज द मेंटल एलिमेंट। तो 15 में हम क्या लिखेंगे, मेंस रिया और इसमें लिखेंगे 21 में एक्टस रियस। ठीक है नेक्स्ट आता है द पार्टी सुइंग समवन एल्स इन अ लॉसूट। पार्टी किसी और को सू कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन डाल दिया था बट वो नहीं दिया था, एड नहीं किया था मैंने उसमें आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 24 पे, टू कलेक्ट मनी और प्रॉपर्टी बाय कोर्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं भाई, टू कलेक्ट मनी इट इज गार्निश, क्या बोलते हैं गार्निश। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं डैश डैमेजेस कंपनसेशन ऑफ फ्यूचर लॉस अर्निंग और पेन एंड सफरिंग, क्या बोलते हैं। वो अभी डैमेज हुआ नहीं है लेकिन डैमेजेस ले रहे हैं, व्हाट वी कॉल इट जनरल जनरल, ओके वी कॉल इट जनरल डैमेजेस। ठीक है अच्छा नहीं ये वाला किया है 23rd द पार्टी सुइंग समवन एल्स इन द लॉसूट, इन अ लॉसूट इट इज कॉल्ड प्लेंटिफ PLAINTIFF। ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ बोलते हैं। ठीक है नेक्स्ट आता है मनी, हाँ मनी गिवन टू द कोर्ट टू एंश्योर दैट द डिफेंडेंट विल रिटर्न टू फेस ट्रायल 27। तो इट इज बेल, क्या बोलते हैं उसको भाई, बेल कहते हैं BAIL। ठीक है तो ये हमारा क्रॉसवर्ड खत्म हो चुका है जिसमें हमने टोटल 30 क्रॉसवर्ड्स को सॉल्व किया है। ठीक है दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।